राम राम। मैं पवन गिल भाई और पवन गिल समैन वलोग में तारा स्वागत है। मुंगेरंग हरियाणा की एक तो सरपंच आजकल बन जाए था हमने मेरा भी है। मैंने एक ही पाछे ही का घटनाक्रम देखा था, खान खातर सरपंच बना है लेकिन मुंगेरंग एक पूरा हरियाणा की लड़ाई लड़ने वाला वो सरपंच तारा गल ले आया हूँ मैं। राम राम सरपंच साहब। राम राम। और बात करें सरपंच साहब, मुगो सरकार ने पहला तारी लड़ाई दिन लिया, सरकार पीछा नहीं दे रही भाई। एक वाकया नहीं, कलम की ताकत नहीं दे रही, एकता में खुला धड़का था काम करा इसको। नुआ इक्की लाख की ताकत भी दे दी लेकिन आंदोलन ही भी तरह जा रही है। इक्की लाख की जो पावर दी है पवन जी, हम आपकी बात से सहमत है कि इक्की लाख की पावर दी है, लेकिन जो काम करने के अधिकार है वो पूर्णता भी नहीं दी सरकार ने, क्योंकि वर्क टेबल बनाई हुई है, कामों को बांट दिए। आज सरपंच सिर्फ गाँव की गली नाली और किसी चीज़ की रिपेयर वही काम करवा सकते हैं। अगर गांव के लोगों की कोई समस्या है, मैं मान लो बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरी का निर्माण करवाना है, किसी धर्मशाला का निर्माण करवाना है, वो पंचायत के पास अधिकार नहीं है। गांव के लोग चाहें आज शहरों की तरफ पे कि कोई पार्क बनाना है तो पंचायत के पास पार्क बनाने का अधिकार नहीं है, पंचायत के पास लाइटें लगाने का अधिकार नहीं है। अधिकार खत्म कर दिए हैं, सिर्फ एक पावर देने का काम किया। इसीलिए हमारा एजिटेशन अभी जारी है, 18 महीने से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब बात करें पे स्टार्टिंग में 5 लाख की, फिर 21 लाख की, एक एक दर सीढ़ी दर सीढ़ी बधाने लग रही सरकारी साथ नहीं तो आंदोलन तो डर गई हो। ये तो सरकार का निकम्मापन है। सरकार ने पहले पंचायतों की पावर घटा के 2 लाख की, फिर मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में 2 से 5 की, अब 5 से 21 पर आए हैं। ये तो साबित ही हो गया कि सरकार की नाकामी थी, सरकार की कमियाँ थी, सरकार छुपा रही थी। अगर सरकार सही थी और पंचायतों में विरोध ना होता तो क्यों 2 से 21 किया? सरकार ने लोकसभा चुनाव के अंदर पंचायतों की ताकत का एहसास हो चुका है कि हरियाणा की पंचायतों में बड़ी ताकत है। इन लोगों ने पंचायतों को हल्के में लिया था कि हरियाणा की पंचायतें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इन लोगों ने देख लिया कि लोकसभा चुनाव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भाजपा सरकार को हर जगह हार का सामना करना पड़ा है और विधानसभा चुनाव से पंचायतों की ताकत से डरे हुए हैं। विधानसभा चुनाव भी सिर पे है, इसमें भी विरोध करोगे या किसी न किसी जुगर लोग आरोप लाने लग रहे हैं दूसरी पार्टियां वाले कांग्रेस तक डाल नु है जो सरपंच एसोसिएशन है वह कांग्रेस ने हाईजैक कर रखी है। देखो वो तो राजनीतिक पार्टी उनका काम है, क्यों कांग्रेस तक जाने दिया पंचायतों को? अगर ये लोग आज कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हाईजैक किया है, पंचायतों को हाईजैक करने की ताकत किसी में नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, किसी में नहीं। अगर इन लोगों को ऐसा लगता है, इन लोगों ने कांग्रेस तक जाने ही क्यों दिया पंचायतों को? पंचायतों को अधिकार देते, हम अपने अपने गांव में काम करवाने के लिए सरपंच बने थे, ना कि राजनीति करने के लिए। लेकिन ये तो सरकार ने हालात इसे ऐसे पैदा कर दिए। और कांग्रेस को हमने विपक्ष के नाते यहाँ बुलाया था, उसमें जब सत्ता मौजूद सत्ता में जो सरकार लोग हैं वो अधिकार नहीं देते तो विपक्ष को एक आंदोलन की प्रक्रिया होती है विपक्ष को बुलाना, उसी के तहत हमने विपक्ष को बुलाया था। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि अगर हम सत्ता में हैं तो पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे। भाई मौजूदा विपक्ष के रूप में सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, तो मजबूत के साथ जाया जाता है, हम किसी कमजोर के साथ लग के खुद कमजोर क्यों होंगे? ये तो राजनीतिक पार्टियों का तो काम है एजिटेशन को बदनाम करना। किसान आंदोलन को भी कह रहे थे कि तो कांग्रेस ने छोड़े हुए, भाई आप ऐसा काम ही क्यों करते हो कि लोग सड़कों पे आए एजिटेशन करें और दूसरी पार्टी को उसका फायदा पहुंचे, ऐसा काम ही ना करो आप। ये तो एक बदनाम करने की साजिश है। अगर ऐसा कुछ होता, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजिटेशन है पंचायतों का, आज तक इतना बड़ा एजिटेशन कभी भी नहीं हुआ। 18 महीने से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी की सभी ग्राम पंचायतें इसमें एकजुट है। क्यों एकजुट है? तो पंचायतों को इस चीज़ में कमियां नजर आई ना, अपने गांव में विकास करवाने के में बाधित हुए ना, तभी करके तो एजिटेशन में है। ये अपने आप में मैं तो पूरे हरियाणा के सरपंचों को सलाम करता हूँ, पंचों और सरपंचों को जो इतनी इकट्ठे ताकत के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया और सरकार को एहसास करवाया कि हरियाणा की पंचायतों की ताकत क्या है। इब जे बात करा, सरकार बीजेपी की है, पूर्व में मंत्री जेजेपी का था, इब वो मंत्री पद तक भी लिया है एक सिंपल विधायक रहे, लेकिन इब भी विरोध उसका जारी है। अच्छे कहना बीजेपी का करना चाहिए, इब तो वो पदे पर नहीं रहा। देखो डबल इंजन की सरकार थी, गठबंधन में थी दोनों पार्टियां, विरोध हमारा दोनों पार्टियों का है और दोनों पार्टियों का विरोध क्योंकि दोनों की
सरकार इकट्ठे चला रहे थे, दोनों की सहमति से ये काले कानून गाँव के ऊपर थोपे गए थे। और रही बात विरोध की, देखो जो पूर्व पंचायत मंत्री है उसके विरोध का कारण है उनकी शब्दावली। अधिकारों में समझौते किए जा सकते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं, सरकारें फैसला लेती हैं, बैकफुट पर भी आ जाती हैं, लेकिन गालियां देना और पंचायतों को अपमानित करना, तो ऐसे व्यक्ति का तो विरोध बिल्कुल रहेगा। और हम तो राजनीतिक पार्टियों से भी कहते हैं भाई, ऐसे व्यक्तियों की नुमाइंदा बनाएगी कोई पार्टी जो समाज के द्वारा चुनी गई, पूरे गाँव के द्वारा चुनी गई, ग्राम पंचायतों को अपमानित करते हैं, पूरे के पूरे गांव को अपमानित करने का काम करते हैं, कैसे व्यक्ति को नुमाइंदा बनाएंगे जो आगे आके समाज में और समाज के लोगों को अपमानित करने का काम करेंगे। कभी अधिकारियों को गालियां दी, आप सभी के सामने हैं, मैं कोई ये नहीं कह रहा अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तो इनका तो रवैया पूरी जनता के सामने है। इनसे बात करा, पंचायत मंत्री ने एक स्वैच्छिक घोटाला था जो आपने उजागर किया था, वो उजागर करे पाछे यू जो लोकसभा चुनाव उसमें कांग्रेस का समर्थन करा है पंचायत मंत्री पुराना था उसकी, इब आप भी लग रहे हो बीजेपी वाले भी लग रहे हैं, दोनों में मामले हैं नहीं बड़े बड़े घोटाले हैं, क्या उनकी कोई जांच चल रही है या उम्मीद है कि भाई इसकी जांच हो गया निष्पक्ष जांच? स्वैच्छिक कोटे की जांच का लेटर आया था पीछे डीसी साहब के पास, इन लोगों ने क्या उसमें जाँच की है, क्या खानापूर्ति की है उसका पता करेंगे। वो बिल्कुल स्वैच्छिक कोटे का दुरुपयोग किया गया था, गाइडलाइन से बाहर पैसा डाला गया। स्वैच्छिक कोटा मंत्री का होता है, मंत्री आउट ऑफ स्टेट ही पैसा दे सकता है, जिसको चाहे मर्जी दे सकता है, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन होती है उससे बाहर पैसा नहीं दे सकते आप। जो सर रूल बनाए हुए सरकार के, भारत सरकार के, हरियाणा सरकार के, हाउस रिपेयर के नाम पर उन लोगों को पैसा दिया गया है जो जॉब खुद जॉब में है, जो या कई कई एकड़ के जमींदार है उनको पैसा दिया गया है। स्वैच्छिक कोटा हाउस रिपेयर का पैसा गरीब व्यक्ति को दिया जाता है जो असमर्थ होता है, और 10-10 लाख रुपए में गरीबों के मकान की रिपेयर नहीं होती, ये तो कोठी की रिपेयर होती है, बंगलों की रिपेयर होती है 10-10 लाख में, तो वो तो सबको पता है कि क्या सरकार की गाइडलाइन है। बीपीएल परिवार को 2,80,000 या 2 लाख से ऊपर हाउस रिपेयर का पैसा नहीं दिया जाता, गरीब व्यक्ति को तो 2-2.5 लाख रुपये मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं, रिपेयर के लिए कहाँ से देंगे इतना पैसा? तो गाइडलाइन से बाहर है, उसकी तो जांच होगी और सरकार करेगी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का टच में है पुराना मंत्री, जब मैंने कहा चलो जो उसकी टिकट मिलेगी फिर क्या स्टैंड रहेगा आपका? हमारा स्टैंड क्लियर है, पूरे हरियाणा की पंचायतों ने जींद के अंदर हमारी पूरे हरियाणा की ब्लॉक प्रधान जिला प्रधान की एक मीटिंग थी, वहाँ से हमने बिल्कुल क्लियर किया है जो पार्टी पूर्व पंचायत मंत्री को टिकट देगी उस पार्टी के साथ पूरे हरियाणा की पंचायतों का कोई ताल्लुकात नहीं, हम सभी उस पार्टी के किसी भी नुमाइंदे का साथ नहीं देंगे, हम क्लियर अपने स्टैंड पे और क्लियर बिल्कुल इसी स्टैंड पे रहेंगे पूरे हरियाणा की पंचायत। ये बात आपने कहा डबल इंजन की सरकार थी, जद अगर कम हम इसका वो लग रहे हैं यो भी सरकार में था, जब बात करा कांग्रेस में रहे हैं निशान सिंह, वो भी है उसका भी विरोध होगा या अकेले इस आदमी का? पंचायत मंत्री मौजूदा ये था, निशान सिंह पंचायत मंत्री नहीं था, वो पार्टियों ने देखना है, लोगों ने देखना है अभी उसको क्या टिकट देते हैं, क्या देते हैं क्या नहीं। अगर उसको टिकट मिलती है तो वो हम अपने साथियों से सलाह करेंगे, ऐसे तो बहुत से लोग हैं, वीरेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में है, और भी बहुत से नेता हैं, वो जो साथियों का फैसला होगा, अगर साथियों का फैसला उनके विरोध का होगा तो उनका विरोध करेंगे, वो जो पूरे हरियाणा की पंचायतों का फैसला, ये मेरे कोई अकेले का फैसला नहीं था, ये भी पूरे हरियाणा की पंचायतों का फैसला है। अगर मेरे अकेले से एजिटेशन नहीं चला था ये, मैंने तो ठीक है मुझको दर्द था, मुझे पूरे हरियाणा की पंचायतों ने इकट्ठा किया मैंने, वो एक अलग बात थी, लेकिन फैसले तो पूरे हरियाणा की पंचायतें जो एसोसिएशन लेती है वही फैसला मान्य होता है, मेरा अकेले के फैसला लेने से कुछ नहीं होता। जब बात कर रहा हूँ टवाणा मामा में, टवाणा का जो पुराना मंत्री था अपने इतने आरोप लगा दिए, मैंने भी उनके कई देखे हैं जिसमें उसका भाई का सुंडका भी एक वायरल हुआ था जिसमें पानी की चोरी करा था, लेकिन आज वो के है एक वाद दिखाने लग रहा है कि भाई मेरे वर्गा ईमानदार नहीं, लोगों ने पूरा मलेजन लग रहा, कोई चारधाम की यात्रा करावे, कोई कतौड़िया में मिला सेवा करूँ जो मैं करूँ, चश्मे वांडन लग रहा, उस पर क्या कहोगे? चलो सेवा कौन करा तो समाज में सबने लोगों का पता है, वो तो लोग अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए सभी लोग करते हैं, वो कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसका फायदा कितना मिलता है कितना नहीं वो बात की बातें हैं, वो तो कई लोग हैं, मैं किसी का नाम लेता, हर हल्के में लगे हुए हैं, कोई तीर्थ यात्रा करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, वो तो जाने वाले लोगों को सोचना चाहिए और अगला किस मनसा से कर रहा है वो लोगों को देखना चाहिए। मैं हर बात के ऊपर किसी पे जो
मैंने आज तक जो भी आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सबूत के साथ लगाए, एक भी आरोप झूठा साबित करके दिखाए मेरा, मैं मान जाऊंगा कि वो सच्चे में झूठा हूँ। एक भी झूठा आरोप नहीं है। जो स्वैच्छिक कोटे वाले थे वो बाकायदा जो सरकार ने लिस्ट जारी की उस लिस्ट के साथ आरोप लगाए, एक भी बेबुनियाद आरोप नहीं लगाया। मैं राजनीति के चलते बेबुनियाद आरोप लगाए वो गलत बात है, ना झूठा आरोप लगाया है ना लगाएंगे इसी के ऊपर। जो बात करा ईशा भी उसका है कि पंचायत एसोसिएशन है जो हरियाणा में किसी न किसी पार्टी का भाई दो चार टिकट भी मैं इसका चाहे रही है सूत्रांगा वाला ने मुझे टिकट मांगने का चक्कर में पड़े। आज तक लोग कुछ कहते रहो, हमने आज तक किसी से ना तो ये कहा कि टिकट, हाँ हमारे कुछ साथी इच्छुक है चुनाव लड़ने के, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी मदद करेंगे, उनका अधिकार है। नेता क्या दो बार पैदा होते हैं? जो गांव का सरपंच बन गया वो चुनाव नहीं लड़ सकता क्या बात है? जो पहले लोग चुनाव लड़ रहे इन्हीं को अधिकार है चुनाव लड़ने का। चुनाव लोकतंत्र के अंदर सबको आजादी है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है चुनाव लड़ना। भाई जब गाँव के सरपंच बन गए वो साथी, अगर चुनाव लड़कर विधानसभा में जाकर अपने लोगों की आवाज़ उठाते तो अच्छी बात है। उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत से हमारे साथी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और बिल्कुल उनके लिए हम कहेंगे, जहां भी हमारे हमारा किसी से कहने से हमारे एसोसिएशन के कहने से या कोई किसी साथी को टिकट मिलती तो बिल्कुल कहेंगे, इसमें बुराई क्या है? कौन नहीं किसकी अप्रोच करता, हमारे सरपंच साथी है हमारे भाई है, अगर उनको टिकट मिलती तो इसमें बुराई क्या है? ये तो लोकतंत्र के अंदर सबका अधिकार है। ये जो अब चुनाव लड़ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी में लोग लड़ रहे हैं, क्या ये बात ये ऊपर से अलग से लिखवा के लिए कि यही लोग चुनाव लड़ेंगे? लोकतंत्र के अंदर सबकी आज़ादी है चुनाव लड़ने की, और बिल्कुल हरियाणा के अंदर जो साथी चुनाव लड़ने का इच्छुक है, जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं अपने हल्के में, उसकी बिल्कुल मदद करेंगे सभी साथी। वो हमारा साथी है और हमारा फर्ज बढ़ता है, अगर कोई साथी आगे बढ़ता है तो उसके पाँव नहीं खींचने चाहिए बिल्कुल, उसके आगे बढ़ाने में उसकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय देने का धन्यवाद।